चाइना की ओछी हरकतों और बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के बाद पूरे देश में चाइना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों द्वारा आज चाइना के टायर की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों द्वारा कहा गया कि हम चाइना के उपकरणों का बहिष्कार करते हैं और चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। भोलाराम उस्ताद चौराहे पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने चाइना के टायर जलाने के साथ ही अन्य चाइनीज उपकरणों को भी होली में शामिल किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान की फौज जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जितने टायर हैं, जो भी सामान आता है हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन में, और उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी मेंबर हैं, चीन का कोई भी पार्ट वहाँ से नहीं ले आएगा। अगर कोई लाता है तो उसका सख्त विरोध किया जाएगा। अगर व्यापारी अगर लाते हैं तो भी उसका सख्त विरोध किया जाएगा। हमारी जो पॉलिसी है उसने हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। ये जो गद्दारी है उसको बहुत महंगी पड़ेगी। हमारी हिंदुस्तान की जो फौज है उस पर उसने पीठ के पीछे छुरा मारा, लेकिन उसको पता नहीं है हिंदुस्तान की फौज छाती में गोली खाना चाहती है। उसको इसका कितना बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा ये हम समय ही बताएगा। हम उसको किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। यही हमारा एम है, हमारा निशान यही है। आप बता सकते हैं इंदौर में कितना माल आता है चाइना से करीब करीब लगभग? इंदौर में तकरीबन मेरे ख्याल 50% के करीब आता है, 50% के बॉर्डर से आता है और दूसरे बॉर्डरों से आता है। लेकिन अब वो एक सुई नहीं आएगी, उसको इसका खर्च मुआवजा चीन की पब्लिक को देना पड़ेगा। आपका परिचय? हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ का पर्यटन सरदार हरीश सिंह।